छंदानां रसानां छंदसामप मंगलानां चकर्तारो वंदे बाणी विनायको गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्यजं बफलचारुभक्षणं उमाशतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपंकजं गर्भूलगौरं कन्नावतारं संसारसारं वजेन्द्रहारं तदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवामि सहितं नमामि ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः। अक्षरों अर्थ समूह रस छंद और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरा वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों या ब्रह्मेना न पश्यन्ति सिद्धा शांत स्थमेश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमया नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाशितो हि वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वन्दते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सिया राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम वे। देखिए केवट के जो भाव हैं रामचरित मानस में, अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा, वो पांव पखारने लगा श्री राम। द्वितीय सोपान पर हम यहाँ आ गए हैं। अयोध्या कांड कहता है कि यश यांगे च विभाति उदर सुता देवा पका मस्तके भाले बार विदुर्गले च करलम यस्यो रसी व्याल राट स्वयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पादु माम प्रसन्नताम यानगताभिषेक तस्यथान ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंदु को जो शोभा राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाशायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी के जिनके बाम भाग में विराजमान हैं, जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। शांताकारं वडगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सरसवर्णं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं वैभवहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम महालक्ष्मी नमः। ओम शं शं लक्ष्मी श्री जानकी नमः। जय जय श्री राम। कभुवाल सुनिया मुनि नायक कभुआल सुनिया मुनि नायक भैराम सब विधि सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे यारी मित्र उदासी। राजा ने कहा कि हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सारे नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन है सब ही राम प्रिय जेहि बेधि मोहि
प्रभु आशीष जन तनु धारि सोही विप्र सहित परिवार पुसाई करहि छोहु सब रौरी नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे मुझको हैं। आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जी गुरु चरण रेणु सिर धरही तेज अनु सकल विभव बस करही मोहि समय अनु भय न दूजे सब पायो राज पावानी पूजे। आ जाता है जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी को नहीं किया गया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। वैसे मेरे गुरु कालों के काल, महाकालों के काल एवं माता पार्वती के साथ अर्धनारेश्वर में स्थापित श्री शिव हैं। उनके कई ज्योतिर्लिंग स्थापित है पूरे भारतवर्ष में अपितु पूरे विश्व में। बारंबार अपने गुरु की वंदना करता हूं और उनके स्मरण करते हुए मैं एक श्लोक यहां पर बोलूंगा तो आप भी याद रखें। जो शिव के शिष्य है उनके लिए जो श्लोक होगा वो उपासना करेंगे शिव की, तो सबसे पहले शिव जी के लिए बोलेंगे हे वंदे बोधमयम नित्याम गुरु शंकर रूपिणम यमाश्रित है वक्रपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। ये स्वरूप गुरु रूप में स्वीकार आप करते हैं। इनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है कि जिनके मस्तक पर चंद्र है वो टेढ़ा है, चाहे वह कलंकित है, जो भी है शिव के साथ तो सदैव पूजा जा रहा है। ये प्रताप है गुरु शिव का। अभिलाष एक मन मोरे पूज ही नाथ अनुग्रह तोरे मन प्रसन्न लगी साजा सने हूं कहे उनरे से राजा सुदे हुआ। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है कि हे नाथ वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए आपकी क्या अभिलाषा। राजन राहुल नाम जसु सब अभिमत दाता अनुगामी महिपा मणि मन अभिलाषु तुम हार। संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है ये राजाओं की मुकुटमणि। आपके मन के अभिलाषा फल का अनुगमन करते हैं। आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। ये ही श्री राम की महिमा। हम भगवान राम की महिमा को एक बार और आज के दिन गाएंगे, एक बार और हम गाएंगे। सायंकालीन बंधन में मैं कोशिश करूंगा कि एक बार छोटा सा सेशन और आप लोग को दूंगा आज श्री राम और माता जानकी की। अरे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको जानकारी दे दूं, यदि पितृ पक्ष में आप अति प्रसन्नता अपने पितृ की प्राप्त करना चाहते हैं कि जो पितृ को यमराज कहते हैं कि आप जाइए अपने अपने घर 15 दिन तक 10 दिन तक आप
पितृ विसर्जन तक अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर और अपनी इच्छाओं के लिए देखें कि हमारा घर परिवार कैसा है, क्या चल रहा है, हमारे लिए क्या भोजन की व्यवस्था है, हमारे लिए क्या विचार आचार, यहाँ पर हमारे जाने के बाद क्या हो रहा है हमारे घर में। तो पितृ जो है जिस स्थान से हमारे पितृ का अंतिम संस्कार होता है, सर्वप्रथम पितृ उसी स्थान पर आते हैं, उसके उपरांत अगर आपने वह स्थान छोड़ दिया है तो उसके बाद द्वितीय उनका जो होता है चरण, तब वो उस स्थान पे जाते हैं कि जहाँ आपने अगर पुराना स्थान छोड़कर आप रहने लगे हैं, वहाँ चाहे आपका प्रथम स्थान जहाँ आपने अमुक व्यक्ति का अमुक पितृ का अंतिम संस्कार किया है वो किराए का भी घर होगा, तो वहाँ भी पितृ सर्वप्रथम पहले जब यमराज की आज्ञा पाकर साल में एक बार यमराज की आज्ञा पाकर वो आते हैं और उसके बाद पितृ देखते हैं। कभी भी अपने घर में रात को जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, पितरों के लिए आपको कुछ ना कुछ बनाकर रखना चाहिए, मीठी रोटी, गुड़, शक्कर, सफ़ेद तिल, काले तिल, शक्कर, चावल को पिंड बना के उसको आप कौवे को, गाय को और कुत्ते के लिए निकालिए और उससे उसी के थ्रू उसी माध्यम से आपके पितृ एक्सेप्ट कर लेते हैं उस आपके। और दूसरी बात हम और बता दें आपको, बड़ी स्वच्छता से पितृपक्ष में रहना चाहिए, सेंट इत्यादि इत्र वगैरह नहीं लगाना चाहिए, बहुत खुशबूदार सामान का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कभी कोई नया चीज खरीदना ही नहीं चाहिए, कितना भी अति आवश्यक हो, नाखून न काटे, बाल न काटे, दाढ़ी न बनवाए, नेल सेल मेडिक्योर पेडिक्योर कुछ नहीं कराना चाहिए, सात्विकता से रहिए, बहुत सुगंधित साबुन भी न लगाएं, सेंट इत्र का सब त्याग करिए इतने दिन, तो आपके पितृ तमाम पूरी तरीके से भर भर कर प्रसन्नता, जब प्रसन्नता पितरों की होगी सब आपके योग सही हो जाएंगे और आप उन्नति यश कीर्ति और निरोग है। आइए हम माता दुर्गा सप्तशती का सिद्ध कुंजिका स्वरूप का पाठ करते हैं। जय जय सियाराम। श्री राम की जो भक्ति है उसमें बहुत शक्ति है। राम भगत ते नाना विचारी चहु लोक उपस्थित हमारी। पूरे लोक में उपस्थिति है श्री राम के भक्तों की, हम लोग श्री राम के भक्त हैं, दिनों लोक में आप पाएंगे, हर लोक में हर प्रकार से आप हमें यहाँ पर प्राप्त करेंगे। जो राम के भक्त हैं वो तो सचमुच ही आंजने। यदि आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर रहे हैं, नरवान मंत्र भी पढ़ना होता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए पूर्णता हम आप नरवान मंत्र पढ़ेंगे सिद्ध कुंजिका स्त्रोत करने के बाद। आइए पढ़ते हैं। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत महाशिववाच देवी प्रक्षामि कुंजिका स्त्रोतमुत्तममायन मंत्र प्रभावेन चंडीजापा शुभ भवे न कवचम नागलासूतम कीलकम न रहस्यकम न सुप्तम नापि ध्यानम जनन्यासम च वाचनम कुंजिका पाठ मात्रेणम दुर्गपाठम फलम लभेत जहांतरम देवी देवानाम दुर्लभम गोपनीयम प्रयत्न शनरिव पार्वती मारणम मोहनम वश्यम स्तम मनुचाटनादिकम पाठ मात्रेण संसिद्धिहेत कुंजिका स्त्रोतमुत्तममः मंत्रः। ओम ऐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ओं ग्लौं हूं क्लीं जूं सा ज्वालय ज्वालय ज्वल पज्वल पज्वल ऐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे ज्वल हं सं लं सं फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मदमदिनी नमः कैटिवहारिणे नमस्ते महिषामर्दिनी नमस्ते सुभद्रं द्रजामि सुम्बासुरघातिनी जागृतां हिं महादेवी शिवं सिद्धं कुरु मे हिंकारी सृष्टिरूपाय हिंकार प्रतिपालिका लिंगारी कामरूपिण्यं बीजरूपेण वस्तुते चामुण्डा चण्डघाति चेकारी वरदावनी विच्चे चा भयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। दान दें दें दुर्चटे पत्नी बाम बम बम बागदेश्वरी क्रां क्रीं कुरुं कालिका देवी शां क्रीं सुं मैं सुभम करुं भं 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 गार रूपिण्य जं 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 बनादनी ब्राह्मण ब्रुं भैरवी भद्रे भवान्य ते नमो नमा अंकं चं तं तं पं यं शं विं नुं यं विं आं जं दृजगं दृजगं तोटय तोटय दित्तं कुरु कुरु स्वाहा। बाम बम बम पार्वती पूर्णा खां खें खं खे चरित था पार्वती यास्त कुंजिका देवी नाम शतसती पढ़े
नतस्य जायते सिद्धिरन्ये रोदनां यथाः। नरवाण मंत्र पढ़ेंगे हम अब। नरवाण मंत्र जपः ततो देवी सुक्तस्य पाठं कृत्वा स्तोत्रशतसाङ्ख्याम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे इति नर्माणमन्त्रः जपेत्। तत्पश्चात् गुहाति अहं गोत्री त्वं गृहाणाश्मकृतं जपम् सिद्धिर भवति मे देवी तत्व प्रसादान महेश्वरी इति पठित्वा देव्या वाम हस्ते।